आपने ओरिजिनल पैराग्राफ पढ़ा है उसकी 1/3 यानी जो पैसेज है आपका उसका 1/3 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 300 वर्ड का है तो आपका पैसेज 100 वर्ड में हो जाना चाहिए, और अगर आपका 600 वर्ड्स का है तो आपका पैसेज 200 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेसी राइटिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम का, एंड लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू इट, हाउ इट शुड बी डन इन द एग्जामिनेशन। देखिए प्रेसी राइटिंग का सबसे पहला कंसेप्ट, प्रेसी राइटिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू, सबको पता है कि प्रेसी राइटिंग इज व्हाट यू आर गिवन, यू विल बी गिवन अ पैसेज इन द एग्जामिनेशन। एक आपको पैसेज दिया होगा, ठीक है, 400, 500, 600 वर्ड्स का, रफली इट इज़ अराउंड 500-600 वर्ड्स, ठीक है। तो प्रेसी में हमें क्या करना होता है कि प्रेसी का मतलब ही क्या है कि यू हैव टू शॉर्टन इट, यू हैव टू राइट इट प्रिसाइजली, है ना, इन अ प्रिसाइज मैनर, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल या सबसे पहला जो डेफिनेशन हम समझ सकते हैं प्रेसी राइटिंग की, वो क्या है, इट्स लाइक अ मिनिएचर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल फोकसिंग ऑन द की पॉइंट्स। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इधर उधर की पॉइंट्स पे ध्यान ना देके वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। तो आपको जो पैसेज दिया होगा यू हैव टू रीड द पैसेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, एंड उसके कीवर्ड्स नोट करके आपको लिखने हैं प्रेसी राइटिंग में, और उसके अंदर यानी कि पैसेज को यू हैव टू राइट इट इन 1/3 ऑफ द फॉर्म। समझते हैं, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर की पॉइंट्स एक तरीके से जो उसके हैं। सबसे पहले केयरफुली रीड द कॉम्प्रिहेंशन, जो भी पैसेज आपको दिया है आपको केयरफुली पढ़ना है, एंड दिस थिंग आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कि पैसेजेस जब आप पढ़ते हो या फिर जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें या फिर इस वाले पैसेज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है रीडिंग, कि आप पढ़ो एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वॉट इज सेड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस और पैराग्राफ जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू केयरफुली रीड द कॉम्प्रिहेंशन कि आप उसे पढ़ो और आपको समझ में आ जाए। मेक अ नोट ऑफ द की पॉइंट्स, अब देखो ये चीज़ ऑप्शनल है, यू कैन मेक अ नोट। नोट का मतलब ये है कि आप रफ शीट पे कुछ की पॉइंट्स का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस पैराग्राफ का एसेंस कैरी कर रहे हैं, कि हाँ यार ये अगर नहीं लिखा तो उसका मीनिंग थोड़ा सा अनक्लियर हो जाएगा, उस चीज़ को आपको नोट करना है। तो मेक अ नोट ऑफ द की पॉइंट्स, उनका नोट आप बनाओ। क्रिएट एन इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द समरी, इनिशियल ड्राफ्ट का मतलब वही है कि आपने एक तरीके से ड्राफ्ट बना लिया, यार ये पॉइंट्स मेरे को इंक्लूड करने ही करने हैं अपनी प्रेसी के अंदर, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स जो भी आपके हैं, तो अगर आप पेपर पढ़ रहे हो तो यू कैन अंडरलाइन देम या फिर उन्हें नोट कर सकते हो जल्दी से। यूटिलाइज क्लियर कंसाइज लैंग्वेज वेन एवर यू कैन, जहाँ भी, अब ये प्रेसी लिखते समय की बात है कि जब आप पॉइंट्स लिखते हो तो आपको क्या करना है, सब चीज़ क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज लिखनी है। आफ्टर ऑल द पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड ड्राफ्ट द फाइनल प्रेसी, और उसके बाद सारे पॉइंट जब आप लिख चुके हो तो आपको क्या करना है, एक फाइनल प्रेसी ड्राफ्ट करना है। चलिए अब बात करते हैं क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ द गुड प्रेसी। अब मैं सबसे पहले तो इसको डिटेल में एक बार फिर से बात करना चाहूँगा। प्रेसी का मतलब है आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे आपको शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में लिखना है का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि एक एक सेंटेंस छोड़ के, दो दो सेंटेंस छोड़ के लिख दिया, ठीक है। ये स्कूल में करते थे हम लोग और तब नंबर मिल जाते थे, बात अलग है। बट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्रेसी का आपको मेन जो भी उसका कंटेंट है, जो भी उसका मेन की कंटेंट है, वो आपको कवर करना है। और उसका मतलब क्या होगा कि आपने जब प्रेसी को रीड करोगे और आपको जो भी आइडिया उससे क्लियर हुआ, तो अब आप प्रेसी को एक छोटा वर्जन क्रिएट कर दो, जो कि किस में होगा, जनरली इसे कहा जाता है कि कितना होगा, इट इज़ 1/3, ठीक है। अगर हम प्रेसी की लेंथ की बात करते हैं तो प्रेसी की लेंथ कितनी होती है, इट शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ, जो भी आपने ओरिजिनल पैराग्राफ पढ़ा है उसकी 1/3 यानी जो पैसेज है आपका उसका 1/3 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 300 वर्ड का है तो आपका प्रेसी 100 वर्ड में हो जाना चाहिए, और अगर आपका 600 वर्ड्स का है तो आपका प्रेसी 200 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। सबसे पहली चीज़ लेंथ ऑफ द प्रेसी, ठीक है। द वर्ड काउंट नीड्स टू बी अराउंड 1/3 ऑफ द पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन टोटल वर्ड काउंट, जो मैंने अभी बताया कि आपको क्या करना है, 1/3 में वो काम कंप्लीट कर देना है। इट शुड बी ईजी टू रीड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको प्रेसी का जो प्रेसी में जो आपका टेस्ट है वो टेस्ट आपकी वोकैबलरी का नहीं है। वो किस चीज़ का है कि किसी बात को आप कितना ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जो भी लिखा है उसे आप कितना ईजिली सामने वाले को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो है आपका प्रेसी का टेस्ट। तो हमने क्या बोला, इट शुड बी ईजी टू रीड, मेक श्योर द प्रेसी यू राइट इज नॉट टू डिफिकल्ट टू रीड और हैज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ टू कॉम्प्लेक्स। तो आपको रीडर को कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं करना, जितना ईजी गोइंग बनाओगे, जितना ईजीली अंडरस्टैंडेबल बनाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको प्रेसी कुछ इस तरीके से लिखना है कि जो भी रीडर है, जो भी एग्जामिनर है, वो पढ़े, उसे पढ़ने में ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े और उसे समझ में आ जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो ईजी सेंटेंसेज लिखो आराम से, एंड
एसेंस को कवर करो पैसेज के, पैसेज के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करो. गो ओवर ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, मेक श्योर नॉट टू मिस एनी ऑफ द क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बाई टेकिंग नोट्स वाइल यू रीड द पैसेज. पैसेज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हम लोग की पॉइंट्स की बात कर रहे थे ना, उनको मिस नहीं करना है. ठीक है, एग्जाम्पल्स उसमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है उन्हें, आप उसको आप स्किप कर सकते हो. बट बेसिकली उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो जो एक क्रूशियल पॉइंट्स हैं, उन्हें ज़रूर कवर करना है. मस्ट बी कोहेरेंट. कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ? अब ये वाले पॉइंट्स हैं, मस्ट बी कोहेरेंट. अच्छा, ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो. नीचे जो लिखा है चूज द टाइटल, ये केवल आपको तभी यूज़ करना है जब आपके क्वेश्चन पेपर में कहा गया हो. अगर क्वेश्चन पेपर में आपके लिखा गया है, यानी क्वेश्चन में आपके डिटेल्स में लिखा है कि आपको टाइटल लिखना है, ओनली देन यू हैव टू राइट द टाइटल, वरना आपको टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन पेपर में इफ दे आर सेइंग प्लीज गिव टाइटल टू द पैसेज एज वेल, यानी जो पैसेज आप लिख रहे हो उसका टाइटल भी देना, तभी लिखना है वरना नहीं लिखना. अब आप देखते हैं फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, पैसेज को कैसे यूज़ करें अच्छा पैसेज लिखने के लिए. पहले तो आपने की पॉइंट्स नोट कर लिए. नेक्स्ट आता है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन ट्रांजिशन आपको पैसेज के अंदर दिख रहा है, उसी तरीके से आप प्रेसी के अंदर इन्फॉर्मेशन का ट्रांजिशन लिखो. मतलब जिस तरीके से कहानी इधर चल रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन ऑथर ने यहाँ पे यूज़ की है, वही आप प्रेसी में भी सेम फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखते रहो. बट वहाँ पे बस क्या करना है, हमें बातों को थोड़ा स्क्वीज करके लिखना है, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना है, और सारे एसेंस को, सारे मेन पॉइंट्स को कवर करना है. ठीक है, कुछ पॉइंट्स जैसे ये इसमें ध्यान रखने, कभी भी शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट नो क्या कहेंगे इसे, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी. एक्रोनिम्स, एब्रीविएशन अवॉइड करने. एग्जाम को एग्जाम नहीं लिखना, एग्जामिनेशन लिखना है. ठीक है, एंड के लिए सिंबल नहीं बनाना, पूरा एंड लिखना है. वर्ड्स को शॉर्ट करके नहीं लिखा जाता. प्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि आपको बस लेंथ छोटी करनी है तो वर्ड्स को शॉर्ट कर दो. यू हैव टू राइट द कंप्लीट वर्ड्स जो भी आप लिख रहे हो, क्योंकि राइटिंग आपकी फॉर्मल ही है ना, ये है फॉर्मल राइटिंग में आता है. चलिए, स्पेसिफिक्स इन द प्रेसी मस्ट कंसाइड विद स्पेसिफिक्स इन द पैसेज. जो इन्फॉर्मेशन आप प्रेसी में लिख रहे हो वो पैसेज के अंदर होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से छोटा सा ऐसे लिख दो वहाँ पे. ठीक है, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन जो प्रेसी में दे रखी है वही सेम इन्फॉर्मेशन आपकी जो पैसेज में दे रखी है वही सेम इन्फॉर्मेशन आपकी प्रेसी के अंदर होनी चाहिए. और प्लस प्रेसी के जो की पॉइंट्स है, पैसेज के जो की पॉइंट्स है, वो आप प्रेसी के अंदर इंक्लूड करोगे. बट अपनी तरफ से कोई आइडिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इस टॉपिक पे कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है. अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं लिखनी. जो भी पैसेज में कहा गया है केवल उतना ही आपको एज इट इज़ कॉपी करना है. एज इट इज़ कॉपी करना है मतलब कॉस अपने वर्ड्स में कॉपी करना है. इन्फॉर्मेशन वही उसी तरीके की होनी चाहिए. What else? Now let's see some points to remember. जल्दी से पढ़ लेते हैं भाई, कौन सी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना ही रखना है ये काम करते समय. सबसे पहला क्या है, टू मेक द प्रेसी ईजी टू रीड स्टार्ट विद द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज. ये अब आपकी मर्जी है, मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन वही यूज़ करो जो पैसेज में दिया गया है. ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम स्किप कर सकते हैं. ये केवल आपकी हेल्प करने के लिए कि कभी कभी कुछ पैसेज में आप ऐसा कर सकते हो कि समझ में आए कैसे स्टार्ट करना है. वरना व्हाट यू हैव टू डू, जिस तरीके से पैसेज के अंदर किसी कहानी को इंट्रोड्यूस किया गया, आप सेम उस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो. गिव द रीडर एन आइडिया व्हाट दे आर गोइंग टू रीड. ये अगेन पहले वाले के साथ कंबाइन है. एज यू रीड द पैसेज नोट डाउन एनी सिग्निफिकेंट थीम्स, इंक्लूड देम इन टू द समरी. ये बहुत ज़रूरी है जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ोगे, क्योंकि पैसेज तो आप सबसे पहले रीड करना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा पैसेज क्या है और प्रेसी में आपको क्या लिखना है. ठीक है, तो एज यू रीड द पैसेज नोट डाउन एनी सिग्निफिकेंट थीम्स एंड इंक्लूड देम इन टू द समरी. यूटिलाइज द फैक्ट सजेशन फॉर डेवलपमेंट टेक्निक्स एक्सेट्रा. इसी चीज़ की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो भी आपने पढ़ा है उसके अंदर, ठीक है, जो भी फैक्ट्स आप पैसेज के अंदर पढ़ रहे हो उन्हें इंक्लूड करना है, सजेशन जो भी दिए गए हैं, और डेवलपमेंट टेक्निक्स यानी पैसेज जिस तरीके से आपका डेवलप हो रहा है, पैसेज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सेम उसी फॉर्म में आप आगे बढ़ाते रहो. उसके अंदर के फैक्ट्स को, की पॉइंट्स को आप यूज़ करो और अपने पैसेज का कोर आइडिया अपने प्रेसी के अंदर दिखाओ. एड ऑल द क्रूशियल टर्म्स एंड कीवर्ड्स जो हमने बात करी. टेंसेस दैट यू एम्प्लॉय वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए. बस बेसिकली कोहेरेंट होना चाहिए हमारा पैसे. द इन्फॉर्मेशन यू आर राइटिंग अबाउट इन द प्रेसी शुड बी रिलेटेड टू वन अनदर. इट ऑट टू शेयर अ फ्यू कनेक्शंस. भाई अब क्योंकि कनेक्टेड तो होगी क्योंकि एक पैराग्राफ का पार्ट है, तो आपका प्रेसी भी कोहेरेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कुछ भी लिख रहे हैं. जैसे आज होगा हम लोग पहले स्कूल में हम लोग टेलीग्राम लिखना सीखते थे कि दिस इज इज टेलीग्राफ लिखते थे, सॉरी टेलीग्राफ उस टाइम लिखते थे. ठीक है, तो जो भी हम उस टाइम पे लिखते थे वो ना शॉर्ट में आपको लिखना होता है, रैंडम कंप्लीट सेंटेंस भी हम नहीं लिखते. वो यहाँ नहीं करना. सेंटेंस कंप्लीट और मीनिंगफुल होना चाहिए और ईजी टू रीड होना चाहिए, है ना. आपको ऐसा नहीं करना कि दो सेंटेंस स्किप करके कुछ भी रैंडम थॉट्स आप वहाँ लिख रहे हो. जो लिखा है उसे करेक्टली वहाँ पे समझाना है बस.
अवॉइड अज्यूमिंग एनीथिंग और एडिंग डिटेल्स, जो हमने अभी बात करी, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना, कोई डिटेल्स अपनी तरफ से नहीं लिखनी, अपने थॉट्स नहीं लिखने हैं, एब्रीवेटेड लैंग्वेज नहीं लिखनी, एब्रीवेटेड लैंग्वेज मतलब शॉर्ट में, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, वर्ड्स जो भी हैं उनके शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, आपको लेंथ में लिखना है पूरा। नेवर स्पेंड टू मच टाइम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन थिंग, मेक श्योर द डिटेल्स आर एज एक्यूरेट एज यू कैन। हाँ, तो अब प्रेसी है, पूरे पैराग्राफ को आपको कन्वर्ट करना है, तो कभी भी किसी एक आइडिया पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आप जो भी कुछ लिख रहे हो उसे थोड़ा सा डिटेल में और सही तरीके से लिखना तो है, मतलब चीज़ों को कवर तो करना है, बट आपको कभी भी एक आइडिया को स्ट्रेच करते हुए इतना नहीं कर देना कि प्रेसी आपका कंप्लीट होने से पहले ही, मतलब प्रेसी की वर्ड्स कंप्लीट होने हैं, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन आप कवर ना कर पाओ और वर्ड्स ज़्यादा, तो किसी एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक नोट नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जिन पार्ट्स में हमें ध्यान देना है, आपके एग्जाम में जब बॉक्सेस दिए जाते हैं, ठीक है, वी नो दैट कि वी आर प्रोवाइडेड बॉक्सेस लाइक दिस, तो जो भी आप लिख रहे हो प्रेसी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, वी हैव टू राइट इट इन 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ, जो मेन पैराग्राफ है उसमें वर्ड्स आपको दिए होते हैं, और उससे आप इसमें भी लिखते समय कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने तक आपको लिखना है। एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड आएगा, जैसे अगर आप आर्टिकल भी लिख रहे हो तो एक जगह एक ही आएगा। अगर मान लो कोई वर्ड बहुत ज़्यादा लेंदी है, अगर आपको लग रहा है कि वो पूरा नहीं आ पा रहा, जैसे मैं इन्फॉर्मेशन लिखने की कोशिश करूँ बट पूरा नहीं आ पा रहा, हाइफन लगा के उसे यहीं पर लिख दो, हाइफन लगाओ और आगे कंटिन्यू कर दो नीचे की तरफ, बट वर्ड से क्रॉस मत करो, यानी कि आपका बॉक्स के बाहर नहीं आना चाहिए। बॉक्स के बाहर आपको ऐसे भी नहीं लिखना है, इसके बाहर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अगर मैं लिख रहा हूँ तो इस तरीके से नोट नहीं करना, तो बॉक्स के अंदर ही लिखना है, और हाइफन लगा के किसी बड़े वर्ड को भी आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर आर्टिकल भी है तो वो भी इंक्लूड, आपका अकेले इंक्लूड किया जाएगा। 1/3 को आपको एक्सीड नहीं करना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस माइनस 5 एक बार को चलेगा, बट कोशिश ये करना है कि 200 यानी 1/3 के अंदर ही आपका पैसेज आराम से हो जाए, प्रेसी हो जाए, ठीक है। ईजी सेंटेंस, देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हमें फैंसी वोकैबुलरी यूज़ करनी है, बहुत अच्छे शब्द लिखेंगे, बहुत टफ वर्ड्स लिखेंगे तभी आपका ये हो पाएगा, तो नो नीड टू लाइक राइट की फैंसी वोकैबुलरी, यू कैन राइट ईजी वर्ड्स, ठीक है, ईजी वर्ड्स आप इसके अंदर लिख सकते हो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मेक सिंपल सेंटेंसेस पैसेज, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि यू शुड अंडरस्टैंड द पैसेज, एक बार पैसेज आपके लिए क्लियर है तो आपको उसे शॉर्ट पे करके लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। You have to write easy words, simple sentences. Simple sentences से मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि बहुत complex और tough vocabulary लिखनी है, easy words, easy going लिखना है, coherent रखना है। Flow of information, सबसे important काम और सबसे easy जो आपके लिए बना देगी, flow of information जो passage की है, same flow of information आपको इसके अंदर include करनी है, ठीक है, कि जैसे जैसे कहानी वहाँ पर बढ़ रही है उसी तरीके से आपको यहाँ पर नोट करना है, किसी एक आइडिया पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आप एक प्रेसी, एक बढ़िया प्रेसी लिख सकते हो, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, लिखो और नोट करो पिछली ईयर्स के जो सॉल्व वाले हैं, वाले एग्जांपल्स काफ़ी सारे पढ़ के देखो, इससे हमें आइडिया मिलता है कि पैराफ्रेजिंग कैसे कहते हैं। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होगा कि एक पैसेज, मान लो एक कोई भी पैराग्राफ आपका पैसेज के अंदर दिया हुआ है, उसे आप जब अपने वर्ड्स में लिखते हो, दिस इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, ठीक है, कि अपने शब्दों में किसी बात को जब आप लिख रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, कि सेम इन्फॉर्मेशन को दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया। तो अब आपको ये जब पैराफ्रेजिंग आपको करनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, इन्फॉर्मेशन जो है फ्लो वो आप वहाँ से नोट कर सकते हो, 3-4 सेंटेंसेस को अगर आप स्क्वीज कर सको तो एक सेंटेंस में करने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है एक जैसी जो बात की गई है उसे एक सेंटेंस में पूरा एसेंस कवर कर रही है तो उन एसेंस को कवर कर सकते हो। सारे वर्ड्स पैसेज के नोट, मतलब सारे आपको कॉपी नहीं करने, सेम टू सेम वर्ड्स नोट नहीं करने, आप दूसरे वर्ड्स, इजी वर्ड्स उसके लिए यूज़ कर सकते हो, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं कि हाँ यार ये वाला वर्ड तो यूज़ करना ही होगा, तो उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई वर्ड पैसेज से आपको रिपीट करना ही नहीं है, तो जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एसेंस को कवर कर रहे हैं कि हाँ ये एक पर्टिकुलर बात को कवर कर रहा है, किसी पॉइंट को कवर कर रहा है, उसे इंक्लूड तो किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम नीचे। चलिए दिस इज ये बहुत ही छोटा सा पैसे लिया है इसलिए मैंने, दिस आर 225 वर्ड्स एंड दिस इज इन 75 वर्ड्स। अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हाईलाइट्स द ग्रोइंग थ्रेट पोज्ड बाय साइबर क्राइम टू इंडियाज
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज की वल्नरेबिलिटीज इन सेक्टर्स लाइक पावर ग्रिड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज की वल्नरेबिलिटीज इन लाइक पावर ग्रिड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रांसपोर्टेशंस नेटवर्क्स. इट एम्फसाइजेस द नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी टू एड्रेस दीज वल्नरेबिलिटीज एंड एनहांस इंडियाज साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज. द रिपोर्ट रिकमेंड्स अ मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच इंक्लूडिंग इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड फॉस्टरिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. इट ऑल्सो स्ट्रेसेज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ कॉम्बैट सॉरी टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस. इसको हमने कैसे स्क्वीज किया इसमें? पहली बात बोलेगी रिसेंट रिपोर्ट बाई द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हाईलाइट्स द ग्रोइंग थ्रेट पोज्ड बाय साइबर क्राइम टू इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट वॉर्न्स ऑफ राइजिंग साइबर थ्रेट्स टू इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. इट आइडेंटिफाइज, अब देखो बात उसी की चल रही है, प्रोनाउंस का यूज अच्छे से किया जा सकता है. इट आइडेंटिफाइज वल्नरेबिलिटीज इन पावर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स. ठीक है, किसकी बात की गई है? रिपोर्ट की. द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज दिखा है तो हमने, अब ऊपर हमने बता दिया रिपोर्ट लिखी गई है. ठीक है, इट आइडेंटिफाइज वल्नरेबिलिटीज ऑफ, पॉइंट समझिएगा, यहां पे ऊपर हमने रिपोर्ट की बात की, फिर हमने सीधे प्रोनाउन से बताना शुरू कर दिया क्योंकि यहां पे क्या बोला गया था, द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज, हमने सीधे बोल दिया इट आइडेंटिफाइज वल्नरेबिलिटीज इन पावर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स. ठीक है, देन इट एम्फसाइजेस द नीड फॉर, अगेन किसकी बात चल रही है? रिपोर्ट की. द रिपोर्ट कॉल्स फॉर अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जो यहां पे बोला गया और प्लस यहां पे, तो यहां पे आप देखो कि इसने यहां से यहां तक का पार्ट हम लोगों ने यहां पे एक सेंटेंस में कवर कर लिया. ठीक है, क्योंकि यहां पे भी अगेन रिपोर्ट की बात चल रही है और यहां भी रिपोर्ट की बात चल रही है कि क्या क्या उसने कवर किया, तो उसे हमने एक ही सेंटेंस में कवर कर लिया. दैट मीन्स दीज थ्री सेंटेंसेज और फोर सेंटेंसेज आर कवर्ड इन वन सेंटेंस. इस तरीके से आपको देखना है, सिमिलर आइडियाज, सिमिलर इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई है, जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन्हें आप स्क्वीज कर सकते हो एक सेंटेंस के अंदर. तो क्या बोला गया? द रिपोर्ट कॉल्स फॉर अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी विद इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, यानी वहां से इंक्लूड किया, विद इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन. दैट मींस जो पार्टनरशिप यहां तक की बात की गई थी, दैट वी हैव कवर्ड इन दिस सेंटेंस. तो सिमिलर इन्फॉर्मेशन, सिमिलर आइडिया को आप एक सेंटेंस में स्क्वीज आराम से कर सकते हो. It also stresses the importance of internal cooperation to combat cybercrime. Baki humne yahan pe as it is likh diya. International cooperation is seen as crucial to fight cybercrime. That means, is wale part ko bhi, we have done it in just few words. ठीक है, तो ये तरीका आपको use थोड़ा सा करना है. Similar sentences को आपको squeeze करके एक sentence में use कर सकते हो and साथ ही साथ similar ideas को एक साथ लिख सकते हो. ठीक है, इस तरीके से हमारा sentence एकदम correct बन जाएगा. ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे क्लियर हुआ है प्रेसी का. फिर से हाइलाइट्स बता देता हूँ आपको. पैसेज को 1/3 में लिखना है, बॉक्स में आपको सारी चीज़ लिखनी है, बॉक्स के बाहर कुछ नहीं लिखना. कैलकुलेट करना भी आसान रहेगा आपके लिए. क्लियरली पैसेज को खुद समझना है, देन क्लियर शब्दों में, क्लियर सेंटेंसेज में यूज़ करना है. सबसे ज़रूरी चीज़ है ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड करनी है. सेंटेंस को इतने अच्छे से बनाओ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें ना हो. एग्जामिनर के लिए जितना आसानी से समझ में आएगा, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं सही मार्क्स मिलने के. जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स लिखोगे, जितना ज़्यादा घुमाओगे, उतना ज़्यादा वो मुश्किल हो जाता है एग्जामिनर की रीड करना, अल्टीमेटली मार्क्स मिलना भी. ठीक है, तो अच्छे से पहले पैसेज को समझना है, देन उसे इस तरीके से नोट कर लेना है. तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा. व्हाट यू हैव टू डू नाउ, रीड एज मैनी पैसेजेस एंड प्रेसी एज यू कैन. जितने ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ सकते हो करो, एंड देन पैराफ्रेज करके खुद अपनी प्रैक्टिस करके देखो. चलिए, थैंक यू एवरीवन.